हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर। गाइस, आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 4, जो कि है डेप्रिवेशन के ऊपर। डेप्रिवेशन, ग्लोबलाइजेशन और एडोलेसेंस के ऊपर है पूरा। इससे पहले 3 यूनिट हम बना चुके हैं, उसके MCQs मैं डाल चुकी हूँ। आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा यूनिट 4 भी हो जाएगा, तो पूरा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक आपका सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन देखिए, MCQ स्टार्ट करने से पहले वही हम एक बार थोड़ा मेन जो डेफिनेशन है उनको ब्रश अप कर लेंगे, ताकि ईजी हो जाए, हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होते चले जाएं, और क्वेश्चन तो हम देख ही लेंगे बाद में। ग्लोबलाइजेशन इज़ द स्प्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड जॉब्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन क्या है कि हम जितने भी ग्लोब में, पूरे अर्थ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है किसी ना किसी चीज़ के आदान प्रदान को लेके। ठीक है, हम किसी कंट्री को कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या उनसे कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, या हम कहीं पे जाके कंपनीज़ लगा रहे हैं, या कोई दूसरी कंट्रीज़ हमारे कंट्री में आके कंपनीज़ लगा रही है, पैसा लगा रही है। ठीक है, तो जो भी आदान प्रदान है, जो भी एक्सचेंज है इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, जॉब्स, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस अक्रॉस द ग्लोब, अराउंड द ग्लोब। इल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी है। इल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन क्या है, जो एक मेन टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, कि बच्चों पे क्या बुरा असर पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का, कि बड़ी बड़ी कंपनीज आके यहाँ पर यूनिट लगाती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, बाहर की कंट्रीज़ आके यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ओपन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, चाइल्ड लेबर एक थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड लेबर चीपली आपको प्रोवाइड मिल जाती है। ठीक है, चीपली मिल जाती है, तो चाइल्ड लेबर उससे थोड़ा बड़ा है, और एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों का इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड पोर्नोग्राफी। ठीक है, टूर एंड ट्रेवल्स भी बढ़ेगा, जितने जैसे जैसे बाहर की कंपनीज आएंगी, बाहर के फॉरनर्स भी आएंगे, बाहर के लोग भी आएंगे, तो उनको थोड़ा सा इन सब चीज़ों में बच्चों को डाल दिया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन। उन बच्चों को स्पेशली गर्ल्स साइड को, आपने सुना होगा कि जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ऑयल कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर उनको बेच दिया जाता है, तो वो एक ख़राब चीज़ है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, डेप्रीवेशन। अ स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन मीन्स समथिंग इज़ मिसिंग। ठीक है, डिप्राइव का मतलब क्या होता है, डिप्राइव का मतलब वही होता है कि किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आपको नहीं मिली, यू आर डिप्राइव ऑफ समथिंग। वर्ड डिप्राइव मीन्स टू कीप समथिंग अवे फ्रॉम समवन। डेप्रीवेशन मीन्स द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग समथिंग। Poor people experience a lot of deprivation. Poverty keeps them from having enough food. जो poor लोग हैं, poverty है जिसकी वजह से वो deprived रहते हैं food से, shelter से। Like plants का अगर हम केस ले लें, अगर water deficit है, water deprivation है, पानी नहीं मिला ठीक से, तो सूख जाएंगे, मर जाएंगे। तो this is all about deprivation. Basic मोटी भाषा में मैं अगर आपको बताऊँ, आपकी मतलब basic आपको पता होना चाहिए, अगर आपको एक idea रहेगा ना कि क्या क्या होता है इन चीज़ों से, और इन चीज़ों के ill effects क्या होते हैं, तो उन्हीं के basis पे questions आते हैं basically, और आप वो निकाल सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के, सोशियो इकोनॉमिकली एंड कल्चरली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैव देयर ओन स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हर जगह में, कल्चर में, इकोनॉमिकली, सोशल सोसाइटी में जो डिप्राइव चिल्ड्रन होते हैं, किसी ना किसी कारण से उनको कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं हर जगह, तो उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके उन बच्चों के लक्षण क्या होते हैं, अगर हम मोटी भाषा में बोलेंगे तो कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो डिप्राइव चिल्ड्रन होते हैं, ठीक से उनके पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है, शेल्टर नहीं है, ठीक है, तो उन बच्चों का ऐसा मानना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक डिप्रीवेशन रहे, ज़्यादा समय तक डिप्रीवेशन रहे, तो कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कि उनका ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, पर्सनैलिटी उनका ठीक से नहीं डेवलप हो पाता है। मोटिवेशनल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब मोटिवेशन तो लाइफ में होता ही नहीं है, लाइफ में एक ही मोटिवेशन रहता है कि हमें दो वक्त का खाना मिल जाए और छत, सर पे छत मिल जाए, यही मोटिवेशन रह जाता है लाइफ में।
क्योंकि अगर आपकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होगी तो उससे आगे आप कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, है ना। एनवायरमेंटल करेक्टरिस्टिक्स, आपके आसपास का एनवायरमेंट अच्छा नहीं होता है, पेरेंट्स सुबह ही काम पर चले जाते हैं तो बच्चे जो घर पे होते हैं बेसिकली आसपास का जो माहौल होता है, शोरगुल का माहौल होता है, भीड़ का माहौल होता है, एक बहुत थोड़ा अनहाइजीनिक माहौल होता है, तो उस तरह के माहौल में बच्चे बड़े होते हैं जो कि एक ख़राब फैक्टर है, ठीक है। एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिलता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो ये कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं डिप्राइव चिल्ड्रन के। मार्जिनलाइजेशन क्या है? द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ब टू मार्जिनलाइज वॉज दिस टू राइट नोट्स इन द मार्जिन ऑफ। देखिए एग्ज़ाम में जब आप शीट मिलती है तो शीट के दोनों साइड में आप मार्जिन लगा देते हैं, ठीक है, मतलब दोनों साइड में आप थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं लाइन लगा के, और वो जो स्पेस, जो छोटा सा मार्जिन आपने छोड़ दिया है, उस मार्जिन में आप या तो रफ़ वर्क के लिए यूज़ कर लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो वो जो मार्जिनल एरिया है वहाँ पे जो आप रफ़ वर्क कर रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सुना रही हूँ, समझा रही हूँ कि उसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आपने मार्जिनलाइज कर दिया है, एक पूरे पेज के एक एरिया को मार्जिनलाइज कर दिया है, और वहाँ पे जो आप लिख रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वही है मोटी भाषा में मार्जिनलाइजेशन, कि सोसाइटी के कुछ लोगों को आपने मार्जिनलाइज कर दिया है और उनको आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उनको वो उस तरह की वैल्यू नहीं मिल रही है जो बाकी लोगों को मिल रही है, ठीक है। द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग समवन और समथिंग एज इफ दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। कॉजेज ऑफ एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन, एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन के क्या कारण है? पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, डिसेबिलिटी, HIV और AIDS, ये कुछ मेन रीजंस हैं कि पढ़ाई में बच्चों को रोक दिया जाता है या किसी वजह से वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। अच्छा अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, ये तो कुछ बेसिक सी टर्म्स थी। मेन क्वेश्चंस जो हैं, अमलगमेशन एंड रैपिड यूनिफिकेशन बिटवीन कंट्रीज कैन बी आइडेंटिफाइड एज। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? एक हो जाना, किसी दो चीज़ों का एक हो जाना, संगम हो जाना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्लोबलाइजेशन। बाहर की कंपनी कोई हमारी कंपनी के साथ आके मर्जर करती है या कोई डील करती है तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्प्रूव्ड इन द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ। ग्लोबलाइजेशन ने किस के लिविंग स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है? वर्कर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। जो लोग काम कर रहे हैं, बाहर की कंपनीज़ आएंगी तो ऑब्वियसली जॉब भी मिलेगा लोगों को, उनका लिविंग स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, वे ऑफ लिविंग स्टाइल भी बढ़ेगा, तो वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज इसका सही आंसर है। इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड, ठीक है, बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जो कि डिप्राइव ग्रुप से हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? आस्क द चिल्ड्रन टू विदड्रॉ फ्रॉम स्कूल, आप स्कूल से निकल जाओ, एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, जैसा चल रहा है चलने दो, लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, अपनी एक्सपेक्टेशन ही मत रखो कुछ ऐसे बच्चों से, रिफ्लेक्ट ऑन हर ऑन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। पढ़ाने के तरीकों को चेंज लाना चाहिए, पढ़ाने के तरीकों में, और कुछ ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे बच्चे इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड एडवाइस फॉर एनी चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, ठीक है, कौन सी अच्छी एडवाइस है अगर किसी एडोलेसेंट का मेंटल और किसी भी बच्चे का एडोलेसेंट बच्चे का बिहेवियर सही नहीं है। द केयरर कैन यूज़ थ्रेट्स और फिजिकल पनिशमेंट। फिजिकल पनिशमेंट तो हम कभी किसी केस में देते ही नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, इसको हटा दो। द केयरर शुड रिमूव द चाइल्ड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, स्कूल से निकाल दो, ये भी गलत है। द केयरर कैन यूज़ अदर एड्स सच एज टेलीविजन, कंप्यूटर गेम्स, वो सब गेम्स वगैरह या टेलीविजन दिखा के कुछ तरीके अपना के चेंज करने की कोशिश करो। द केयरर शुड गिव लविंग अटेंशन। सी, लविंग अटेंशन इज़ द मेन थिंग। कोई भी अगर किसी बच्चे का बिहेवियर सही नहीं है तो कोई ना कुछ प्रॉब्लम है। लविंग अटेंशन बच्चों को मिलना चाहिए और लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू स्पेंड टाइम विद देम, ये सबसे बड़ा कारण है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, जानने की कोशिश करें कि क्यों ऐसा बिहेवियर है, कहाँ पे वो चेंज ला सकते हैं। पनिशमेंट से या निकाल देने से स्कूल से, उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो फोर्थ इसका सही आंसर है,
मार्जिनलाइजेशन मीन्स व्हाट? सेंटर ऑफ थिंग, फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइट, बोथ एंड बी. अभी मैंने आपको बताया फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइट. सर्टेन ग्रुप्स फील्स मार्जिनलाइज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक सोशल एंड कल्चरल, इकनॉमिक. जो भी लोग मार्जिनलाइज फील करते हैं उनको, सर्टेन ग्रुप्स जो मार्जिनलाइज फील करते हैं उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं. हर सोसाइटी में, कल्चरल में, इकनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर जगह वो मार्जिनलाइज फील करते हैं कि उनको जो बाकी लोगों को इक्वली राइट्स मिल रहे हैं उनको इक्वली हर जगह राइट्स नहीं मिल पाते. हर चीज़ में वो उनकी तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, कल्चर्स में, सोशल में, सोसाइटी में, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तो जो कि मिलने चाहिए. ठीक है. कॉजेज ऑफ एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन. एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन के क्या कारण है? हाउस होल्ड पॉवर्टी, पीपल इन स्लम्स, चाइल्ड लेबर, डिसेबिलिटी, ये कुछ कारण है जो एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन के हैं. ठीक है. इन सोशल एनवायरनमेंट मार्जिनलाइजेशन इज़ ड्यू टू, देखिए मार्जिनलाइजेशन किसी भी वजह से हो सकता है. कोई अगर डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है या किसी पर्टिकुलर धर्म को मानता है या माइनॉरिटी से है, ST ST से है, तो किसी भी कारण से आपको मार्जिनलाइजेशन किया जा सकता है, जो कि होता भी है यूजुअली. ठीक है. फैक्टर्स हेल्प्स इन ओवरकमिंग एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन. क्या हेल्प कर सकता है एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन को हटाने के लिए? एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. ईजी करना चाहिए ताकि ईजिली असेस कर सके, स्कूलों में आ सके, उनको बराबर के इक्वल राइट्स मिले, सब बच्चों के साथ बराबर हर चीज़ की उनको सुविधा मिले. ठीक है. इकोनॉमिकली अगर वीक है तो उनको फ़ीस माफ़ कर दी जाए या बुक्स या बाकी सुविधाएं उनको प्रोवाइड करवाई जाए. लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए. एंटाइटलमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. ठीक है. तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप. ठीक है. कौन से इसमें से ग्रुप में बच्चे एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप, मतलब अपने पीयर ग्रुप है जो अपने साथ के बच्चे हैं उनमें एक्टिव मेंबर कब बन जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा जब यारी दोस्ती होने लगती है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप में रहने लगते हैं. ठीक है. पीयर जो इफेक्ट होता है अपने साथ के फ्रेंड्स का जो इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो वो होता है एडोलेसेंस पीरियड में. ठीक है. एडोलेसेंस क्या है? प्रोसेस और स्टेट ऑफ ग्रोइंग टू मेच्योरिटी. एडोलेसेंस एज होता है ना जो आपका, बेसिकली जो टीन एज हम जिसको बोलते हैं, एडोलेसेंस एज होता है स्टेट ऑफ ग्रोइंग टू मेच्योरिटी, जब हम मेच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं. व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एडोलेसेंस? 11 to 19 और 12 to 19 हम बोल सकते हैं. ठीक है. पीयर प्रेशर क्या है? मीन्स कन्फर्मिंग टू योर फ्रेंड्स. पीयर प्रेशर होता है कि आपके फ्रेंड्स का, अपने साथ के जो साथ के दोस्त हैं या आपके क्लासमेट्स हैं या आपके दोस्त हैं जो भी हैं, उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने लगे आपके ऊपर. जैसा वो कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, जो वो पहन रहे हैं, उनको आप फॉलो करने लगे. ठीक है. मीन्स कन्फर्मिंग टू योर फ्रेंड्स. वेन पीपल योर एज ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू टू बिलीव और एक्ट लाइक देम. ठीक है. वही चीज़ है कि जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ने लगे आपके फ्रेंड्स का कि वो आप चाहें कि आप भी उन्हीं की तरह करें, तो वो होता है पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर डरने लग जाता है कि सब लोग ये काम कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, नहीं तो मैं आइसोलेटेड फील करूँगा या मुझे वही मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा, मुझे एक साइड में कर दिया जाएगा, तो वो होता है पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. कुछ हद तक, अगर कहते हैं ना सही कंपनी में अगर आप रहेंगे तो कुछ हद तक पीयर प्रेशर अच्छा भी होता है जो आपको अच्छी दिशा में ले जाता है, और कुछ नेगेटिव होता है कि जो आपको बुरी दिशा में ले जाता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन थिंकिंग ऑफ एडोलेसेंस. कॉमन थिंकिंग ऑफ एडोलेसेंस क्या है? फर्स्ट है इट वॉन्ट हैपन टू मी, कि मेरे साथ नहीं होगा. इमेजिनरी ऑडियंस रहती है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं. पर्सनल फेवर, नो वन एल्स कैन पॉसिबली अंडरस्टैंड, मुझे कोई नहीं समझता. ठीक है. ईगोसेंट्रिक थॉट्स रहते हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है एडोलेसेंस की, सब चीज़ें रहती हैं एडोलेसेंस में. इमोशनल फ्लक्चुएशंस इन एडोलेसेंस आर कॉज्ड बाय हार्मोनल चेंजेस, एंड बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जैसे जैसे हम एडोलेसेंस पीरियड में आते हैं, तो उसी की वजह से इमोशनल फ्लक्चुएशंस होती हैं. कभी एकदम से हाइपर हो जाना, कभी से एकदम से सॉफ्ट हो जाना, या कभी एकदम से इमोशनल हो जाना, तो वो इमोशनल फ्लक्चुएशंस रहते हैं एडोलेसेंस में.
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है, ईगोइस्टिक रहते हैं थोड़े, हीरो वर्शिप रहती है, किसी को हम हीरो बना के उसको पूजने लगते हैं, कोई किसी को एक आइडियल बना लेते हैं अपना, है ऑल ऑफ दीज रहते हैं। मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है एडोलेसेंस में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, मतलब सोचने का दायरा काफ़ी बढ़ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, इमेजिनरी थिंकिंग करने लगते हैं, परमानेंट मेमोरी हो जाती है, लॉजिक और इंटरेस्ट आने लगता है चीज़ों में, ठीक है ऑल ऑफ दिस है। अंडर सोशलाइजेशन अ चाइल्ड लर्न्स सोशल कल्चर, सोशल नॉर्म्स, सोशल बिहेवियर, सोशल अडाप्टेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, नहीं सोसाइटी में किस तरह से रहा जाए, किस तरह से चीज़ों को अडाप्ट किया जाए, किस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाए, किस तरह से उस कल्चर में अपने आप को ढाला जाए, तो वही है सोशलाइजेशन। इन स्टडिंग चिल्ड्रंस कंसेप्शन ऑफ फ्रेंडशिप इट इज़ फाउंड दैट यंगर स्कूल एज चिल्ड्रन डो नॉट हैव अ कंसेप्शन ऑफ फ्रेंडशिप। इंटीमेसी एंड कमिटमेंट आर इम्पॉर्टेंट इवन फॉर यंग चिल्ड्रन। इंटीमेसी एंड कमिटमेंट आर इम्पॉर्टेंट बाई 6 to 8 years। देखिए इंटीमेसी एंड कमिटमेंट सबसे ज़्यादा रहती है एडोलेसेंस पीरियड में, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं हम, तो उस पीरियड में इंटीमेसी और कमिटमेंट ज़्यादा रहती है। एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्सोलेशन, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देम सेल्फ, फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सेंस कमिटेड इन चाइल्डहुड। देखिए सेल्फ एक्सोलाइजेशन का एक फीलिंग आने लगता है कि मतलब उनको अपने इंटरेस्ट के बारे में मालूम चलने लगता है कि हमारा एक्चुअल में क्या इंटरेस्ट है और किस चीज़ से हमें खुशी मिलती है। सेल्फ एक्सोलाइजेशन क्या होता है कि किस चीज़ में पर्सन को एक्चुअल में खुशी मिलती है, हमारी खुशी किस चीज़ में है, पेंटिंग में है, हमारी खुशी डांसिंग में है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आने लगता है, ठीक है। तो ये था यूनिट 4, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, बेसिकली डेप्रिवेशन, ग्लोबलाइजेशन और एडोलेसेंस के ऊपर ही है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना एक बार पढ़ के, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, मेन आपका यूनिट 3 और यूनिट 1 में ही है, जिसमें भी आपके सारे थ्योरीज वगैरह हैं वो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो चलिए अभी कल से हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, होपफुली कंटेम्प्रेरी एजुकेशन स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।